अगर आप भी पनीर की एक जैसी रेसिपी से बोर हो गए हैं और कुछ स्पेशल ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसे हम बनाते हैं बहुत ही कम मसाले, क्रीमी ग्रेवी और सॉफ्ट पनीर के साथ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ा पानी डालेंगे। फिर दो बड़े साइज के प्याज रफली चॉप कर लेंगे और इन्हें पानी में बॉईल करने के लिए डाल देंगे। साथ ही डालेंगे कुछ साबुत मसाले जैसे दो तेज पत्ते, दो हरी मिर्च, इनको हम स्लिट करके लेंगे, काटेंगे नहीं। 12 से 15 काली मिर्च के दाने, एक जावित्री, दो छोटे टुकड़े दालचीनी के, चार लौंग और चार छोटी इलायची, इन सबको हम प्याज के साथ डाल देंगे। साथ ही थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। नमक इसलिए कि प्याज जल्दी से गल जाए। हमने प्याज के साथ जो खड़े मसाले डाले हैं वो इसलिए डाले हैं जिससे कि जो प्याज की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और ग्रेवी का फ्लेवर बढ़िया हो जाए। हमें प्याज को तब तक बॉयल करना है जब तक कि ये लाल रंग का प्याज लाइट कलर का ना हो जाए। ये देखिए इसका कलर अभी चेंज हो गया है, ये हल्का वाइट कलर का लग रहा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इस प्याज को एक छलनी में डाल लेंगे जिससे कि जिस पानी में हमने इसको बॉयल किया था वो निकल जाए। अब हम इसमें से खड़े मसाले निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें से हरी मिर्च वगैरह भी आसानी से निकल गई है, अगर हम इसे काट कर डालते तो मुश्किल होती। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। चलिए तब तक हम ग्रेवी के लिए काजू भिगो देते हैं। ये मैंने 1/4 कप काजू लिए हैं। अब हम इनको गर्म पानी में भिगा देंगे जिससे कि ये जल्दी भीग जाए। जब तक हमारा प्याज ठंडा होता है तब तक हम पनीर मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हम एक बड़े बोल में 1 से 1.5 टेबलस्पून हंग कर्ड डालेंगे। वन टीस्पून कसूरी मेथी, वन टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, वन टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी हरे धनिए की बारीक कटी डंडी भी डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये मैंने 200 ग्राम पनीर को थोड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इनको भी इस मिक्सचर में डाल देंगे और पनीर के ऊपर इस मिक्सचर को अच्छे से कोट कर लेंगे। फिर पनीर को 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। प्याज ठंडा हो गया है, थोड़ा सा पानी डालकर प्याज को पीस लेते हैं। इसका हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। फिर जब ऑयल गर्म हो जाए तब मैरिनेटेड पनीर क्यूब्स इसमें डालेंगे। और
और इनको हर तरफ से सेक लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से इनको पलट लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। हमारे पनीर के पीसेस हर तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और एक साइड में रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी और तेल का मिक्सचर हम यहाँ पर इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर हम ये ग्रेवी सिर्फ घी में ही बनाएंगे तो ये बहुत ही रिच हो जाएगी और हमें घी का फ्लेवर भी चाहिए, इसीलिए दोनों को आधा आधा डाला है। अब हम इसे गर्म कर लेंगे। फिर इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 छोटी इलायची, 8 से 10 दाने काली मिर्च के, 4-5 लौंग, 1 टीस्पून जीरा। इन सबको हम घी में डाल देंगे। फिर थोड़ा सा चला लेंगे। जब ये क्रैकल होने लगे तब 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर अच्छे से भून लेंगे। इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब हम डालेंगे प्याज का स्मूथ पेस्ट। इसको भी हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है। जब प्याज तेल छोड़ना शुरू कर दे तब हम डालेंगे दही। ये देखिए, प्याज ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम डालेंगे 1/2 कप फ्रेश दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालने से पहले गैस की फ्लेम स्लो कर दें, फिर कॉन्टिन्यूसली इसे चलाते रहें। जब दही भी ऑयल छोड़ देगा तब हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए, दही ने भी ऑयल छोड़ दिया है। अब हम काजू का पेस्ट डालेंगे। ये वही काजू का पेस्ट है जो कि हमने 1/4 कप काजू गर्म पानी में भिगाकर रखा था। इसको भी अच्छे से मिक्स करके चलाते रहेंगे। फिर डालेंगे 1/2 कप दूध, जिससे कि ये थोड़ा सा पतला हो जाए, और फिर इन सबको मिक्स कर लेंगे। कम से कम 2 मिनट तक इसे लगातार चलाएंगे। फिर थोड़ा सा पानी डालकर ग्रेवी को पतला कर लेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आना शुरू हो जाए तब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। व्हाइट ग्रेवी को बहुत ही सिल्की स्मूथ बनाया जाता है, तो हम इस ग्रेवी को स्मूथ बनाने के लिए एक बार छलनी में छान लेंगे। चलिए इस ग्रेवी को छान लेते हैं। ये देखिए, हमारी वाइट सिल्की स्मूथ ग्रेवी रेडी है। अब आएगा पनीर काली मिर्च का फाइनल स्टेप। ये मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है। अब इसे हम गर्म कर लेंगे।
तेल गर्म होने पर 1 टेबलस्पून काली मिर्च कूटकर डालेंगे। ध्यान रखें कि काली मिर्च पाउडर हमें नहीं डालना है, इसका टेक्सचर इस तरह से दरदरा होना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर डालेंगे स्ट्रेन्ड ग्रेवी। और इसको 3 से 4 मिनट पका लेंगे। और अब डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, करीब 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे पनीर के पीसेस। इसको ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। ये मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चीनी, इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए। इसको ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल लेंगे, इसका फ्लेवर इस पनीर की रेसिपी में बहुत ही अच्छा आता है। चलिए अब इस मखमली रिच ग्रेवी को सर्व कर लेते हैं। इसे आप नान, रोटी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।